वेलकम टू मेडिक इंडिया फिजियो अपे इन इंडिया चेन फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो अभी तक हमने हेमाटो में अपने टो का इंट्रोडक्शन देखा, हेमाटो क्या होता है हमने वो देखा, और साथ में वो कैसे होता है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके साइनिंग सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपको हेमाटो हो जाता है तो क्या चीज़ें देखने को मिलती है, हमने ये देखा। अगर आप आपके रिस्क फैक्टर क्या हैं, आप क्या चीज़ें करते हैं जिसके कारण आपको रिस्क रहता है कि हेमाटो हो जाए, तो हमने वो देखा। और फिर हमने देखा कि उसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट से। अगर आपकी उंगलियां बहुत ज्यादा दर्द कर रही हैं, आप उसको बिल्कुल फ्लेक्स नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, तब ही सर्जरी का ऑप्शन आता है, तभी आप सर्जरी करें। तो सर्जरी में क्या होता है, जो डिफॉर्म्ड एरिया होता है, जहाँ डिफॉर्मिटी हुई है, उस एरिया को कट करके निकाल देते हैं, फिर वापस से जोड़ देते हैं, आपके जो टेंडन है, जॉइंट है, उसको वापस से उसी एंगल में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी कुछ सर्जरी होती है। चलिए हम सर्जरी के बारे में आगे देखते हैं। तो सर्जरी में क्या होता है कि अगर आपका जो हेमाटो है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, उसमें सोरनेस भी आ गई है, वो एकदम स्टक हो गया है एक ही पोजिशन में, सीधा नहीं हो पा रहा है, आपको चलने में बहुत दर्द हो रहा है, और आपको और भी दिक्कतें आती जा रही हैं साथ साथ, उसमें आपका जो हेमाटोइड के साथ दूसरी डिफॉर्मिटी भी होती जा रही है, जैसे प्लॉटो हो गया, मैलेटो हो गया, ये डिफॉर्मिटीज भी होती जा रही हैं, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर लेना चाहिए। तो आगे हम अपनी प्रोसेस देखते हैं कि कौन कौन सी सर्जरी और कैसे कैसे होती है। चलिए देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले आता है फ्यूजन, जो सबसे कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे फिक्स्ड ज्वाइंट रहते हैं उसका जो दोनों एंड है, जो हमारे फिक्स्ड ज्वाइंट है उसमें जो हमारे एंड की जो बोन है उसको कट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए कट कर दिया, ये जो फिक्स्ड ज्वाइंट है यहाँ पे इस तरीके से उसको कट करके निकाल दिया है, फिर उसको पिन से या के वायर से जोड़ देते हैं सीधा करके, उंगली को सीधा करके पिन से या के वायर से उसको जोड़ देते हैं। जब वो बोन जुड़ जाती है आपस में तो उस पिन को निकाल दिया जाता है। अब बहुत सारी नई नई टेक्निक्स यूज होने लगी है, नई नई टेक्निक्स आ गई है, तो वहां पे रॉड या छोटे छोटे स्क्रू लगा के उसको परमानेंटली ही कर दिया जाता है। ठीक है, या तो आप के वायर या पिन लगवा सकते हैं, या रॉड या स्क्रू लगा के आप उसको छोड़ सकते हैं, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप दोनों यूज करवा सकते हैं। अब आता है टेंडन ट्रांसफर। अगर आपके टेंडन टाइटनेस के कारण या फिर टेंडन वीकनेस के कारण ये चीज बन रही है, तो आप टेंडन भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, जो आपके बॉटम टो को, मतलब कि आखिरी वाले इस टो को स्ट्रेट कर देगा। ठीक है, वहां एक टेंडन लगा के आप स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ज्वाइंट री सेक्शन, मतलब कि आप यहाँ पे ज्वाइंट को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका जो फिक्स्ड ज्वाइंट है जहाँ पे डिफॉर्मिटी हो रही है वो रिमूव करेंगे, वहां पिन प्लेस करेंगे और उसको सीधा करेंगे, तो आप उस ज्वाइंट को इस तरीके से भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में आपको एनएसएड्स दिए जाएंगे, जो कि इंफ्लामेशन को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, पेन किलर्स दिए जाएंगे जो कि आपके दर्द को कम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला आता है टो लिफ्ट। पहले एक्सरसाइज जो हमारी है वो है टो लिफ्ट। तो इसके लिए आप अपने फ्लोर पे खड़े हो जाइए, पैरों के नीचे जो भी आपने शू या सॉक्स जो भी पहना है उसको रिमूव कर लीजिए। ठीक
ठीक है, फिर उसके बाद अपने टोस को ऊपर की तरफ उठाइए, ठीक है। ये देखिए सारे टोस को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरीके से, वहां पे कुछ देर के लिए होल्ड करिए, फिर इसको रिपीट करिए, ठीक है। आप चाहें तो दोनों फुट में साथ साथ कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल सिंगल फुट को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें टो लिफ्ट में, आप फ्लोर पे सीधे खड़े हो जाइए, जो भी शूज या सॉक्स जो भी है वो रिमूव कर दीजिए, फिर अपने टो को ऊपर की तरफ उठाइए, होल्ड करके रखिए, फिर वापस से रिटर्न पोजीशन में आइए और इसको रिपीट करिए, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, टो लिफ्ट एंड द स्प्रेड, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप फ्लोर पे खड़े हो जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे लास्ट एक्सरसाइज में आपने टो को लिफ्ट किया था, ऐसे ही लिफ्ट करना है, फिर उसके बाद उनको स्प्रेड करना है, अलग अलग करना है। देखिए इस तरीके से टो लिफ्ट किया, फिर अलग अलग किया, फैला देना है उनको, ऊपर उठाना है अपने टो को, फिर फैला देना है टो को, एक दूसरे से अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं टो लिफ्ट एंड स्प्रेड। तो ये एक्सरसाइज भी आप जब ऊपर अपना पैर लिफ्ट करें तब होल्ड करें, फिर जब आप स्प्रेड करें उनको अलग अलग करें अपने टोस को, तब वहां पे 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, वापस से अपने रिटर्न पोजीशन पे आए, अपने पैरों को फ्लोर से लगाएं, फिर रिलैक्स करें, फिर से इसे रिपीट करें, ठीक है। आप इस एक्सरसाइज को भी चाहें तो सिंगल सिंगल फुट में भी कर सकते हैं, या दोनों को साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज हुई है टो लिफ्ट एंड स्प्रेड, अपने टो को ऊपर की तरफ उठाएं इस तरीके से, फिर उनको स्प्रेड करें, अलग अलग करें, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम, टो फ्लेक्स, ठीक है। इस एक्सरसाइज में क्या करें, आप अपना जो पैर है बॉल की तरफ करें, ठीक है। ये एक तरीके की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी है, अपने पैर को लेट जाएं, अपने पैर को बॉल की तरफ करें, या पैर के पास कोई भी सपोर्ट रखें, स्टैटिक सपोर्ट, ताकि वो आप आपके पुश करने पर नीचे ना गिरे, ठीक है। उन दोनों के बीच में थोड़ा गैप रखें, आपके पैर के बीच में और वॉल के बीच में थोड़ा गैप रखें। फिर इसके बाद अपने उंगलियों को दीवार की तरफ चिपकाएं और अपनी उंगलियों से दीवार को धक्का दें, ठीक है। अपनी उंगलियों को दीवार की तरफ धक्का दें, उसके अगेंस्ट आप जाएं और उसे धक्का दें, ठीक है। दीवार से चिपका के उंगलियों को उसमें आपको धक्का देना है और वहां पे कुछ देर के लिए रोक के रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर से अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आए और फिर से आप अपने दीवार से पैर चिपकाएं और उसे धक्का दें, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को रिपीट करें, ये हमारी एक्सरसाइज होती है टो फ्लेक्स एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टो रेज पॉइंट एंड कर्ल एक्सरसाइज, ठीक है। लिए इसके लिए आप फ्लोर पे खड़े हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टो रेज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सपोर्ट लें, ठीक है, इसमें बैलेंस आपका जा सकता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप आसपास टेबल के पास खड़े होके या वॉल पे हाथ रख के सपोर्ट करके ही करें, नहीं तो इसमें गिरने के चांसेस आपके हो सकते हैं। पहला हम टो रेज देखेंगे, इस तरीके से आपको अपने टो के बल खड़े होना है, और आप चाहें तो दोनों टो के बल साथ में भी खड़े हो सकते हैं, या एक एक करके भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने टो के बल खड़े होना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर से अपनी रिटर्न पोजीशन पे आना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पॉइंट, फिर आपको इस तरीके से आपकी जितनी भी उंगलियां एकदम स्ट्रेट करते हुए उनका पॉइंट नीचे की तरफ फ्लोर पर टच होना चाहिए। इस तरीके से आप खड़े हो और फिर वहां पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर से आप उसको रिपीट करें। फिर आता है आपका टो कर्ल, इस तरीके से अपनी उंगलियों को मोड़े अंदर की तरफ, जैसे इसने मोड़ी है, ये देखिए इमेज में। फिर इसके बाद आप कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर वापस से रिलैक्स करें, ठीक है। तो हमारी तीन एक्सरसाइज हुई, टो रेज पॉइंट एंड कर्ल, ये आपका है टो रेज पॉइंट और कर्ल। ध्यान रखें इस एक्सरसाइज को करने के लिए सपोर्ट ले किसी चीज का, फिर करें, नहीं तो डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, टो स्प्ले। टो स्प्ले की एक्सरसाइज की इमेज में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है टो स्प्ले।
आपका ये रेस्टिंग फुट है, नॉर्मल आप ऐसे रखे हैं। उसके बाद अपने फुट को, फुट के उंगलियों को पास पास लाएं इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से फैला दें, दूर दूर कर दें, उसे हम कहते हैं टो स्प्लिट। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। आप फ्लोर पे रखिए अपने पंजे को, फिर ये आपका रेस्टिंग फुट है, ऐसे अडक्शन में लाए अपने फुट को, पास पास करें उंगलियों को। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में, उन सब उंगलियों के बीच में गैप कर दें। तो ये होता है आपका टो स्प्ले एक्सरसाइज, ठीक है। अडक्शन के टाइम पे भी कुछ सेकेंड के लिए होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें, टो स्प्ले करें, तब भी आप कुछ सेकेंड के लिए होल्ड करें, फिर वापस से अडक्शन में आके रेस्टिंग पोजिशन पे फुट में आके रेस्ट करें, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, टो लिफ्ट एंड प्रेस, ठीक है। ये टो लिफ्ट एंड प्रेस एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए इसमें आपको खड़े होना है फ्लोर पे, फिर इस तरीके से पहले एक्सरसाइज में हम देखते हैं टो को ऊपर उठाना है, बाकी सारी उंगलियों को नीचे धक्का देना है, प्रेस करना है फ्लोर के अगेंस्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, टो लिफ्ट करना है और बाकी उंगलियों को नीचे फ्लोर की तरफ धक्का देना है। तो इसे कहते हैं टो लिफ्ट एंड प्रेस, ठीक है। जैसे आपने ये उंगलियों के साथ किया है, वैसे ही आप अंगूठे के साथ भी करें। अंगूठे को नीचे की तरफ प्रेस करें, बाकी उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाएं। इन दोनों पोजीशन में कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर वापस से रिलैक्स करें, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डोमिंग। डोमिंग एक्सरसाइज में होता है कि आप अपने पैरों से पकड़ने की कोशिश करें। जैसे हम अपने हाथों से किसी चीज को ग्रैब करने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सेम आपको अपने पैरों से करना है, उसको ग्रैब करने की कोशिश करना है। आप फ्लोर पे खड़े हो जाइए, फिर अपने पैरों की उंगलियों को और अपने पंजे की मदद से इस तरीके से फ्लोर को ग्रैब करने की, पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है। और कुछ सेकंड तक उस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स करना है। इसे हम कहते हैं फुट डोमिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टो पुल। इस एक्सरसाइज के लिए आप बैठ जाए, फिर अपना एक पैर दूसरे पैर के नी के ऊपर रखें इस तरीके से, जैसे इमेज में दिख रहा है। फिर अपने जो टोज हैं उनको ऊपर की तरफ, अपने हाथ से ऊपर की तरफ लेके जाएं, और स्लोली स्ट्रेचिंग दे अपने इस टोज के लिए, अपने हाथ से स्लोली उनको ऊपर की तरफ लेके जाएं। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर अपने न्यूट्रल पोजिशन पे आए, फिर से उसको रिपीट करें। ध्यान रहे बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, जेंटल स्ट्रेच करना है, जितना आपको महसूस, आपको दर्द सहन हो। ज्यादा इतना नहीं कि आप बहुत दर्द में आ रहे हैं फिर भी आप स्ट्रेच करें, इतना नहीं करना है, जेंटल स्ट्रेच करना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं टो पुल। अब हम अगले एक्सरसाइज देखते हैं टो कर्ल। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप फ्लोर पे खड़े हो जाएं और अपने पैरों के नीचे एक पतला सा टॉवल या हैंकी या जो रुमाल छोटा सा, वो आप अपने पैरों के नीचे रखें। फिर उसे अपनी उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करें और धकेलते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं। ये देखिए जैसे समझ में हो रहा है, इस पैर के नीचे एक छोटा सा टॉवल रखा, फिर उसे उंगलियों से पकड़ने की कोशिश की और कपड़े को पीछे की तरफ धकेला, ठीक है। इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। जब आप होल्ड करके पीछे लेके जाएंगे तो कुछ सेकंड के लिए होल्ड भी करें, फिर वापस से टॉवल को इस तरीके से फ्लैट करें, फिर से उसे कर्ल करते हुए, उसे पकड़ते हुए टॉवल को पीछे की तरफ लेके जाएं और इसे कुछ टाइम के तक रिपीट करें, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं टो कर्ल। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं मार्बल पिकअप। ये एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। जो मार्बल्स आते हैं जिन्हें कंचे कहते हैं, वो बॉल्स वो लें और एक कप लें, फिर इस तरीके से अपने पैरों में पीछे की तरफ से उसे पकड़े और एक कप में डालें। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है कि आपने मार्बल्स को पिक किया है, पकड़ा है अपने पंजे से और फिर एक बॉल में डाला है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। कम से कम आप इसे 5 सेकंड तक होल्ड करके भी रखें। जब आप मार्बल उठाएं तो उसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर उसे एक
ग्लास में जो आप रख रहे हैं उसमें डाल दें, ठीक है। और आप इसे 10 से 20 मार्बल्स के साथ रिपीट करें तो ज्यादा अच्छा असर आएगा। अब हम आगे देखते हैं, वॉकिंग इन द सैंड। आप कोशिश करें कि रेत में चलें, ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए रेत में चलें, क्योंकि रेत जो होती है बहुत कम ग्रिप वाली होती है, वो फिसलता है पैर में, तो रेत में ग्रिप बना के आप चलेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो आप कोशिश करें कि रेत में 5 से 10 मिनट के लिए चलें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है वो हेमाटो के लिए, वो आपको पसंद आया हो, आपको हेल्दी रहने में, फिट रहने में आपको मदद मिले। तो थैंक यू सो मच।